अच्छा जी, हमारी मेकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं सिर्फ चिकन वाले चावल जो हैं कुछ देसी स्टाइल से बना रही हूँ। ठीक है जी, चिकन वाले मैं ऐसे रैंडमली वीडियो आपको बना रही हूँ। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा खाया जाए कि हमें चिकन थोड़ा सा वॉश करके रखा है, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ खाने वाली और कोई भी नहीं खाएगा। और इसमें हमने प्याज काट के डाल दिया है और लहसुन अदरक भी आ गया है। चावल जो है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं डेली खा सकती हूँ चावल, और मैं नाश्ते में भी खा सकती हूँ चावल। और चिकन वाले चावल, दाल चावल, एनी फॉर्म जो है चावलों की मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अब इसमें जो है हल्के हल्के जो हैं प्याज फ्राई होना शुरू हो गए हैं, जिसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ठीक है, एक्चुअली रोस्टेड ज़ीरा रखा है मैंने, रोस्टेड ज़ीरा है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करके, ज़ीरा, सूखा धनिया और इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा रोस्ट करके रख देती हूँ। ये टिप आप ज़रूर लीजिएगा मुझसे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ज़ीरा आता है घर में, और इसके अलावा ज़ीरा सूखा धनिया आता है। ठीक है, इन दोनों को आप इक्वल क्वांटिटी में, या ज़ीरा थोड़ा सा कम ले लें, उसे ड्राई रोस्ट कर लें। ठीक है, ड्राई रोस्ट करने के बाद आप उसको मोटा हल्का बारीक ऐसे करके पीस कर उसको किसी एयरटाइट बॉटल में उसको रख लीजिए। आप जो खाना बनाएंगी, जैसे कि आलू भुने हुए बनते हैं, चिकन अक्सर बनता है, कढ़ाई बनती है, और जो मुझे जिसमें वो अच्छा लगता है रोस्टेड मसाला, वो चिकन में, कढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। उसको आप थोड़ा सा जो है चिकन में डाल लेंगी। ठीक है, मैं आपको साथ साथ अपना चूल्हा भी दिखाती हूँ। अच्छा, चिकन में आप उसको जब डाल के जो है वो बनाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट हो जाए। तो वो लोग कहते हैं ना सीक्रेट मसाला, सीक्रेट मसाला बेसिकली ये सीक्रेट मसाला है। जी, मैंने आपको थोड़ी सी फाइनल लुक भी दिखानी है। फाइनल तो खैर नहीं है, अभी मसाले की लुक दिखाऊंगी। यहाँ पर जी हमारा ईद के लिए जो चिकन है वो धुल रहा है। आप इसकी लुक देखिए, बहुत ही अच्छी लुक है, क्योंकि हमें कलर नहीं देना है चावलों को, खाने वाले जो हैं वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से भून कर इसके अंदर हम पानी डाल के चावल डाल देंगे। फिर जब दम आ जाएगा तो फिर हम प्लेट में डाल के खाएंगे और आपको हम दिखाएंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यमी से लग रहे हैं, इट्स रियली लुक नाइस। अब हम इसको इंजॉय करेंगे जी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। ठीक है, फाइनल लुक आपको दिखानी थी। चिकन जो है वो मेरा धुल चुका है माशाल्लाह से, और दैट्स इट, बहुत यम्मी बने हैं। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं, और खाने में तो वाव लग रहे हैं मुझे। हम्म,